मैं सतीश मौर्य, स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। अभी हम लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था, विकास सर भी आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों का एग्ज़ाम था, तो इस वजह से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे खुद को। तो अब एग्ज़ाम कम्प्लीट हो चुका है, अपना तो अब कम्प्लीट ही आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड वीडियो मिलता रहे, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसी गैप को अब मेंटेन करना है हम लोगों को, और आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करना है। आज का टॉपिक देखिए है ओवर हालिंग ऑफ डीसी मोटर। देखिए, सेकेंड ईयर में मैंने आपको प्रैक्टिकल में जैसे मोटर के स्टार्टर के बारे में पढ़ा दिया है, और जितने भी कंट्रोल पैनल बोर्ड होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जा चुका है, और थ्योरी वाले सेक्शन में हम आपको पढ़ा रहे थे डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा दिया गया था, फिर उसके बाद स्पीड, टॉर्क, ईएमएफ और क्लासिफिकेशन, जैसे सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। लगभग 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे पहले लेक्चर में ही मैंने आपको पार्ट के बारे में समझाया था कि डीसी मोटर में क्या क्या लगा होता है, जैसे मेनली देखें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ब्रश, कम्यूटेटर, ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें भी आपको कई सारा चीज़ है, जैसे कोर कैसे अरेंज करते हैं, आर्मेचर को कैसे लेमिनेट करते हैं, तो वो सब कुछ आपको बताया जा चुका है। लेकिन अब उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकल में आपको ओवरहॉलिंग का मतलब होता है कि किसी भी मोटर को खोल करके उसको कम्प्लीटली डी अरेंज कर देना, उसको पूरी तरीके से छीट देना, और फिर उसके बाद उसको कम्प्लीटली अरेंज कर देना, तो वो होता है ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग में आज हम देखेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर में आप जानते हैं कि जैसे कि वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, और इन्हीं को अरेंजमेंट देते हैं सीरीज का, शंट का, कंपाउंड का, और फिर लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल, कुछ इस तरीके से। तो अलग अलग मोटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, एक मोटर हम उठाएंगे और उसमें आपको सब कुछ बताएंगे कि फील्ड आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर को कैसे डालते हैं उसमें, कैसे लेमिनेट करते हैं, कोर क्या होता है, स्लॉट क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें जितना भी सब कुछ होगा वो सब कुछ आपको कंप्लीट तरीके से समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो आइए अब हम ओवरहॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हम ओवरहॉलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस पे लिखा हुआ है डीसी सीरीज जनरेटर, तो यहाँ पे देखिए ओवरहॉलिंग प्रैक्टिस। ओवरहॉलिंग का मतलब कि इसको खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कैसे इसका अरेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले अब हम आपको इसके आउटर पार्ट के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, ये आपका शाफ्ट है, और जो कि इसके ऊपर आर्मेचर लगा हुआ है, तो वो जब हम खोलेंगे तब आपको दिखेगा। ये जो आप बाहरी पार्ट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं योक या फ्रेम। जैसे बड़े मशीन में जो होता है वो बड़ा होता है, और ये छोटा डीसी मोटर है, तो ये इसमें छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं। ये देखिए, 4 वायर बाहर निकला हुआ है, 3 वायर है, एक अंदर से टूट गया है। आप जानते हैं कि ओवरहॉलिंग करते समय बच्चे असावधानी जब करते हैं, इधर उधर छेड़छाड़ करते हैं, तो उस समय वायर टूट जाता है वाइंडिंग से। तो आपको सिर्फ मेन मकसद है कि दिखाना है इसे पूर्ण रूप से, आपको समझा देना है कि मोटर में लगा क्या क्या होता है और उसको लगाते कैसे हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसे योक बोलते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स इसके ऊपर फिक्स किया जाता है, जो कि ऑलरेडी टूट चुका है। तो आप इसे देखिएगा, ये जो बाहर अंदर से ये जो वायर आ रहा है, इसे टर्मिनल बॉक्स पे कनेक्ट करते हैं, और फिर उसी टर्मिनल बॉक्स से हम इनपुट देते हैं, सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई दे करके इस डीसी मोटर को चलाते हैं। तो इतना आप समझ जाइए कि सप्लाई देने के लिए जो अंदर का वाइंडिंग किया गया है, इस टर्मिनल बॉक्स पे कनेक्ट किया जाता है, और इनपुट सप्लाई भी टर्मिनल बॉक्स के ही द्वारा दिया जाता है। आइए अब हम इसे खोलते हैं। देखिए, खोलने के लिए क्या क्या आपको टूल्स की आवश्यकता होगी। देखिए, हम स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे हैं, तो आप देखते चलिए ध्यानपूर्वक। ये देखिए, एक ब्लेड लगा हुआ है। ब्लेड में देख रहे हैं, ये कुछ कटा हुआ पार्ट है, जैसे कि अंदर कूलिंग के लिए यहीं से एयर जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
ये दोनों तरफ स्पेस है, इसी स्पेस में यदि ये पूर्ण रूप से इस तरीके से बंद होता मेटेलिक प्लेट से तो ये पूरा ढक जाता और इसमें वेंटिलेशन नहीं होता, जीरो वेंटिलेटेड हो जाता। और जब अंदर आर्मेचर गर्म होगा तो उसका हीट बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये मोटर ख़राब हो सकता है। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पे इस ब्लेड में कटा हुआ पार्ट दिखा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन होता है। आगे वाले पार्ट में देखिए, ये देखिए पीछे वाला पार्ट है मोटर का, और आगे वाले पार्ट में देखते हैं, देखिए ये भी, इसमें भी देखिए कुछ इसी तरीके से ब्लेड पे कटा हुआ पार्ट है, और ये आगे और पीछे से एयर का भी वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। मोटर हीट हो जाता है और उसी हीट को बाहर निकालने के लिए इस वेंटिलेशन का यूज कर लेते हैं। आगे आइए देखते हैं, ये देखिए अंदर वाले पार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है। जैसे ही मोटर चलता है तो मोटर को कूल करता है, ये ठंडा करने का कार्य यही ब्लेड करता है। इसमें जो ये कटा हुआ पार्ट है इसी के सहायता से अंदर हवा जाता है और इधर की तरफ बाहर की तरफ निकलता है, तो ये कूलिंग का कार्य करता है। देखिए अब हम इसे खोलते हैं, ये देखिए एडजस्टेबल रिंच है, इसकी सहायता से आप किसी भी नट को खोल सकते हैं। जैसे ऊपर का ये नट है आपको खोलना है, पहले हम आर्मेचर को निकाल लेते हैं। आर्मेचर को निकालने के लिए आपको प्लायर का सहायता लेना होगा। ये देखिए एक निकल गया है, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे जैसे आपको आर्मेचर कम्यूटेटर ये सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन जब आप इसे पूर्ण रूप से समझेंगे देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, यहीं पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए एक और लगा हुआ है, ओवरहालिंग करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपको चोट ना लगे। ये देखिए ये सामने का फ्रंट प्लेट है, फ्रंट प्लेट लॉक करता है इसे ताकि ये बाहर ना आए। और देखिए शाफ्ट के ऊपर ये लगा हुआ है बियरिंग, बियरिंग क्या करता है कि जैसे कोई मोटर है तो कोई तो एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जो कि आर्मेचर को ऐसा प्रोवाइड करे ताकि वो रोटेट हो सके। यदि इस मेटल पे इसे हम डायरेक्ट फिक्स कर देंगे तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, ये चलेगा नहीं, ज़्यादा रगड़ेगा, कट भी सकता है, तो ये अरेंजमेंट फेल हो जाएगा। तो इसीलिए यूज करते हैं इस बियरिंग का, बियरिंग आगे भी लगा होता है और पीछे भी लगा होता है, बियरिंग के ही सहायता से आर्मेचर रोटेट होता है। तो देखिए अब हम आर्मेचर को निकालते हैं, ये देखिए जो आप हमेशा आर्मेचर आर्मेचर सुनते हैं, आज लाइव देख रहे हैं आप आर्मेचर को। आर्मेचर में देखिए ये वाइंडिंग किया गया है, ये आर्मेचर का वाइंडिंग है, ये फैन है, ये देखिए आपको बार बार बताया जाता है कि शाफ्ट के ऊपर वाइंडिंग किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये देखिए शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये आर्मेचर का कोर है और इस आर्मेचर में ही वाइंडिंग किया गया है। ये देखिए कम्यूटेटर है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं कंडक्टर, ये कंडक्टर देख रहे हैं वाइंडिंग के ही द्वारा जो कंडक्टर निकला है इसके अलग अलग पार्ट पे सेगमेंट पे इसे जोड़ा गया है। इसमें से भी एक अलग कंडक्टर निकलता है कम्यूटेटर से, उसे आर्मेचर रेजर बोलते हैं जो कि इसमें नहीं गिवेन है। अब जो एडवांस मोटर आती हैं उसमें आर्मेचर रेजर लगा होता है, कम्यूटेटर रेजर सॉरी, तो उस कम्यूटेटर रेजर के सहायता से आप इस वाइंडिंग का जो टर्मिनल है यहाँ पे आप देखेंगे कि सोल्ड किया गया है पूरा 360 रोटेट करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो अंदर से कॉपर वायर आया हुआ है ये कम्यूटेटर पे सोल्ड किया गया है, तो यहाँ पे सोल्ड करने से बचने के लिए कम्यूटेटर रेजर दिया होता है और उसी पे इसे सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कम्यूटेटर के आगे भी यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ है जो कि एक सपोर्टिंग रोटेटरी मैकेनिज्म क्रिएट करता है। तो यहाँ पे
आप जो देखेंगे आगे और पीछे जो लगा हुआ है, ये सहायता करता है घूमने के लिए, और ये फ्रिक्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिससे लॉसेस कम हो जाता है। ये देखिए आर्मेचर है, आर्मेचर का ये कोर देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये एक पूरा कंप्लीट मेटल नहीं है, ये ब्लेड है। जैसे एक पतला 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 ब्लेड है, उसी को मिला करके एक बंच कर दिया गया है। तो ये अरेंज कर देते हैं तो ये एक समझ जाइए कि स्लॉट क्रिएट कर देता है। देख रहे हैं आप, ये देखेंगे तो इसमें स्लॉट बना हुआ है। अब ये स्लॉट को ये इंसुलेटेड चीज़ लगाया गया है ताकि वाइंडिंग बाहर ना निकल पाए, तो इसको लगाते हैं वाइंडिंग को अंदर फिक्स करने के लिए, और इसके अंदर इसको लास्ट में लगाते हैं ताकि वाइंडिंग बाहर ना निकले। और यदि आपको कॉपर वायर रीवाइंड करना है इस आर्मेचर को, तो सबसे पहले वाइंडिंग करते हैं फिर उसके बाद ये डालते हैं। तो आई होप आप आर्मेचर के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, स्लॉट भी देख लिए हैं, आर्मेचर कोर भी देख लिए हैं, कम्यूटेटर देख लिए, शाफ्ट देख लिए, ये कूलिंग फैन देख लिए हैं आप, और ये देखिए कॉपर वायर मेनली यूज किया जाता है आर्मेचर में। अब देखेंगे कि जो छोटे मोटे फैन होते हैं उसमें एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है, तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी कम होता है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मटेरियल के अनुसार कम होता है, तो बेस्ट होता है ये आपका कॉपर वायर। तो इस कॉपर वायर का यूज करके आप अच्छा मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका अच्छा रोटेशन होगा, तो इस वजह से हम कॉपर वायर का यूज करते हैं मोटर में। देखिए ओवरहॉलिंग का एक पार्ट आप देख चुके हैं, दूसरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए योक के अंदर फिक्स किया गया है, ये देखिए दो पोल का मोटर है, दिख रहा होगा आपको, रुकिए आपको हम पूरा पूर्ण रूप से खोल के ही दिखा देते हैं। आप स्किल इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए, कैसे अलग होगा कोई भी चीज़। देखिए ये है आपका फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग देखिए अंदर जुड़ा हुआ है, ये हम आपको अंदर से ही दिखा देते हैं, अलग अलग वायर से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हैं मैंने बताया है कि ये फील्ड वाइंडिंग जो है ब्रश पे आकर के जुड़ता है, तो ये ब्रश पे आकर के जैसे ही जुड़ता है तो ये दो वायर अंदर कनेक्ट है, तो इसीलिए ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल रहा है। यदि हम पूरा खोलेंगे तब ये पूर्ण रूप से बाहर आएगा। तो ये देखिए फील्ड का ये कोर है, जैसे आर्मेचर कोर होता है वैसे ये फील्ड का कोर है। तो फील्ड के कोर में देखिए आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से एक मेटल है जिसको कि कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल में कटा हुआ है, तो ये कंप्लीट ये आपका एक मेटल नहीं हो करके ब्लेड है, और कई ब्लेड को एक साथ मिला देते हैं तो ये एक मेटालिक फॉर्म हो जाता है, एक बॉडी फॉर्म हो जाता है, जिसके ऊपर देखिए ये देख रहे हैं कोर के ऊपर ये वाइंडिंग किया गया है, ये क्वायल है। क्वायल बोलते किसे हैं, जब कंडक्टर को सीरीज में कई तरीके से लपेट देते हैं सीरीज में ही, तो उसे क्वायल बोलते हैं। तो इसी क्वायल को इसके अंदर डाला गया है, इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। देखिए फील्ड वाइंडिंग करने के बाद इसको इंसुलेट किया गया है अलग अलग लेदरॉयड पेपर, फिर उसके बाद टेपिंग किया जाता है ताकि इसका इंसुलेशन मेंटेन रहे। तो आप ये फील्ड वाइंडिंग देख लिए हैं, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो हमेशा इवेन होता है, सम संख्या में, दो दो पोल का मोटर होगा, चार पोल का मोटर होगा, छः पोल का मोटर होगा, तीन पोल का मोटर आप नहीं देखेंगे, पांच पोल का मोटर नहीं देखेंगे। तो ये एक पोल ये है और दूसरा पोल आप नीचे देख रहे हैं, तो देखिए ये दो पोल हो गया जो कि कनेक्ट होता है ब्रश के साथ। आगे आपको दिखाते हैं, देखिए ये इसके सामने का जो बैक प्लेट है, ये बैक प्लेट है, यहाँ पे आप देखते हैं
कई बार आपसे बात किया जाता है कि ये ब्रश है ब्रश है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, ये कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ये ब्रश होल्डर है, ये देख रहे हैं, ये कार्बन ब्रश है जो कि एक वायर के साथ कनेक्टेड है। देखिए इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है। सोचिए आप कि बना बनाया चीज़ आप लोगों को दे दिया जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो इन्वेंशन किया होगा, जो खोजा होगा, वो कितना दिमाग लगाया होगा और उसका कितना समय गया होगा। मैंने आपको डीसी मोटर के थोड़ा सा इतिहास के भी बारे में आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ था डीसी मोटर का। तो देखिए डीसी मोटर में कैसे कैसे धीरे धीरे बदलाव आया, कैसे इसके स्पीड टॉर्क के ऊपर कार्य किया गया, कैसे डीसी मोटर में ब्रश को इंस्टॉल किया गया। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आप मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये ब्रश कभी कभी ढील हो जाता है चलते चलते, जैसे ब्रश छोटा हो जाता है ये कार्बन ब्रश। तो यहाँ से आप इसे रोटेट करके इसमें टेंशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो ये जो ब्रश है कार्बन ब्रश, ये आगे की तरफ ढकेलता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, आगे ढकेलता है इसको, तो ये कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम हो जाता है क्योंकि उस पर वो कॉन्टेक्ट प्रॉपर लगता है। तो इसी की सहायता से सप्लाई देते हैं कम्यूटेटर की सहायता से आर्मेचर को। तो आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटर क्या है, आर्मेचर क्या है, ब्रश क्या है। अब कंप्लीट रूप से आप समझ गए होंगे। ये आप देख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, दो फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड के ही ये चार वायर बाहर निकले हुए हैं और इसी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, संट में और कंपाउंड में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग मोटर को बनाते हैं और उसको चलाते हैं। तो ये हो गया आपका ओवरहॉलिंग ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए आप लोगों के सामने ही मैंने ओवरहॉलिंग आपको कंप्लीट रूप से दिखा दिया है, एक एक चीज़ को खोल करके आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब हम पार्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको सब कुछ विजुअलाइज होना चाहिए। आप सब कुछ देख चुके हैं, देखिए आप लोगों ने मेरा हाथ काला करवा दिया है, तो अब हम ये तो साफ कर लेंगे, लेकिन आप पूर्ण रूप से सीख जाएं, ये इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकता है मेरे लिए। जिस डेडिकेशन के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, उतना ही यदि आप मेहनत करेंगे तो शायद ही आपसे कोई चीज़ छूट पाए और पूर्ण रूप से आप सीख पाएंगे। और आपसे यही उम्मीद है कि आप आगे चल के अच्छा करें, किसी कंपनी में जाएं या फिर कहीं पे भी आप खड़े होकर के अपना दुकान खोलें या जो भी कार्य करें, आपको पूर्ण रूप से पूरा नॉलेज हो, आप कहीं पे भी कार्य कर पाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप स्किल इंडिया से जुड़े हैं तो आपको खुशी होना चाहिए कि स्किल इंडिया आप लोगों के लिए हर सक्षम वो कार्य करता है जो कि आपको दे पाए, अच्छे तरीके से आपको समझा पाए। आप देखते हैं विकास सर भी अपना पूरा पोटेंशियल के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और हम लोग भी नई चीज़ों को इस पर ला करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग ग्रावलर टेस्ट करेंगे। ग्रावलर टेस्ट होता क्या है, आगे के वीडियो में आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाया जाएगा।